ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, आज आप सभी रामानुरागी हनुमान भक्तों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ भावार्थ सहित हनुमान बाहुक, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजाओं में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हुई, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी। अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई और वही 44 पद्यों का यह स्तोत्र बना हनुमान बाहुक। असंख्य हरिभक्त उपासक हनुमान जी के निरंतर इसका पाठ करते हैं और मनवांछित फल पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। संकट के समय इस सद्य फलदायक स्तोत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करना बहुत ही परमानंद प्रदान करने वाला होता है। आइए श्री गणेश करते हैं हनुमान बाहुक का। सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तनु भुज विशाल मूरति कराल कालह को काल जनु गहन दहन निर्दहन लंकन संक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुन गनत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। जिनके शरीर का रंग प्रातः काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांग कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले आजान बाह विकराल सूरत वाले और मानो काल के भी जो काल है लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था उसे जिन्होंने निशंक जलाया और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वर्ण शैल संकास कोटि रब तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूरत बिकट संताप पाप ते पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। वे सुमेरु पर्वत अर्थात सुमेरु के समान विशाल शरीर वाले करोड़ों मध्यान्ह के सूर्य के सदृश अनंत तेजो राशि विशाल हृदय अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। भौहें जीभ दांत और मुख विकराल हैं, बाल भूरे रंग के
तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की वो विकराल मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। पंचमुख छमुख भृगु मुख्य भट असुर सुर सर्व सर समर समरथ सुरो बांकुरो वीर बिरुदैत बिरुदावल वेद बंदी बदत पैज पुरो जासु गुन गाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरत जग जलधि झूरो दुवन दल दमन को कौन तुलसी से है पवन को पूत रजपूत रुरो। शिव स्वामी कार्तिक परशुराम दैत्य और देवता वृंद समान सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा हैं। वेद रूपी वंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने अपने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसीदास के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार, उनके बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला भला दूसरा कौन है। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन हनुमान शिशु के लिखियो फेर फारसो पाछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलोक लोक पाल हर हर विधि लोचनन चका चौंध चित्तन खभार सो बल कैनो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धर सबने को सार सो। हनुमान जी सूर्य भगवान के पास विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने रहे मैं पढ़ाना भी असंभव समझता हूं। तो हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सोचने लगे कि यह न जाने बल न जाने वीर रस न जाने धैर्य न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए हुए है हनुमान के रूप में। भारत में पारथ के रथ के थुक पिराज गाजो सुनि कुरु राज दल हल बल भो कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बार निधि जाको बल जल भो बानर सुभाय बाल केले भूमि भानु लागे फलंग फैलांग होते घाट नभ तल भो नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं।
इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का हल मिल गया। गोपद पयोधि कर होलिका जुलाई लंक, निपट निसंक पर पुर गल बल भो, द्रोण सो पहार लियो ख्याल ही उखार कर, कंद कुजो कपि खेल बेल के सो फल भो। संकट समाज अस मंजस भो राम राज, काज जोगी पुगनी को कर तल पल भो। साहसी समत तुलसी को नाह जाकी बाह, लोक पाल पालन को फिर थिर थल भो। समुद्र को गोखुर गाय के खुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के समान जला डाला, जिससे पराए शत्रु के पुर में लंका में खलबली मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हो गया। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया, वो है हनुमान बलवान, तुलसी के स्वामी। बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं वो, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई। कमठ की पीठ जाके घोड़नी की गाड़े मन, नाप के भाजन भर जल निधि जल भो। जातु धान दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन बास तिमि तो मनी को थल भो। कुंभकर्ण रावण पयोध नादई धन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारे को त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हो गए। राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भागकर छिपने का गढ़ हो गया, तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। दूत राम राय को सपूत पूत पौन को, तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानु सो। सीय सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय पान सो। दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो। ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो। हनुमान राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग्य पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीता जी के शोक नाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ, कल्याण होगा। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को। पाप ताप तिमर तुहिन बिघटन पटु, सेवक सरोरु सुखद भानु भोर को।
लोक पर लोक ते बिसोक सपने न सोक तुलसी के ही है भरोसो एक और को राम को दुलारो दास बाम देव को निवास नाम कल काम तरु के श्री किशोर को। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है वेद यशगान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोक रहित है। रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्रों में से एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। महाबल सीम महाभीम महाबानित महावीर विदित बरायो रघुबीर को कुलिस कठोर तन जोर पर रोर रन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को सुमिर हरन हार तुलसी के पीर को सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को सेवक सहायक है साहसी समीर को। हे महाबली हनुमान जी, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, अतिशय कराल हैं, अत्यंत बहादुर हैं और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर है आपका, जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए तो काल हैं आप, भयावने। सज्जनों को पालने वाले हैं और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले रघुनाथ जी के दुलारे हैं आप और सेवकों की सहायता करने में हे पवन कुमार आप बड़े ही साहसी हैं। रचबे को विधि जैसे पालबे को हरि हर नीच मारे बे को जाय बे को सुधा पान भो धरि बे को धरनी तरनि तम दलि बे को सोखि बे किसानु पोषि बे को हिम भानु भो खल दुख दोष बे को जन पर तोष बे को मांगि भो मलिनता को मोदक सुदान भो आरत की आरती निवारि बे को तेहुं पुर तुलसी को साहिब हठिलो हनुमान भो। आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु, मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हैं। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। खलों को, दुश्मनों को, राक्षसों को दुख देने और दूषित बनाने वाले, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए हैं। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। सेवक स्योकाई जान जान की सुमाने कान सानुकूल सूल पानी नवे नाथ नाक को देवी देव दानव दयावने है जोरे हाथ बापुरे बराक कहा और राजा राक को जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को सब दिन रूरो परे पूरो जहां तहां ताहे जाके है भरोसो ही ये हनुमान हाक को।
सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना, अर्थात एहसान से दब गए। शिव जी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं। और फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा तो कौन चीज है आपके आगे। जागते सोते बैठते डोलते क्रिया करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है। उसका जहां तहां सब दिन श्रेष्ठ रीति से ही पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हांक का भरोसा है। सानुग सगौरे सानुकूल सूल पानिताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को बिसोक सोति लोक ताही, तुलसी तमाय कहा काहू वीर खान की। केसरी किशोर बंदी छोड़ के निवाज सब, कीरति बिमल कपि करुणा निधान की। बालक जो पाले हैं कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही ये हुल सती हाक हनुमान की। जिनके हृदय में हनुमान जी की हाक उल्लसित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की भला क्या लालसा होगी। दया निकेत केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणानिधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। बाम देव रूप भूप राम के सनेही, नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीताराम के स्वभाव सील, लोक भेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की तिहू प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। तुम दया के स्थान हो, बुद्धि बल के धाम हो, आनंद महिमा के मंदिर हो, गुण ज्ञान के निकेतन हो, राजा रामचंद्र के स्नेही, शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम मोक्ष के देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो। मन वचन कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर के सब जानते हैं। मन को अगम तन सुगम किए कपीस, काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर, सुने सकु चाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगरी सवार अंजनी कुमार की जय मोहि, जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया है। हे केसरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नाम वरी युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया?
जिसको सुनकर साधु सकुचा गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से अभी तक सुधरती आई है। जान शिरोमणि हो हनुमान, सदा जन के मन बास तिहारो, ढारो बिगारो में काकू कहा के ही कारण की जत हो तो तिहारो। साहेब सेवक नाते तो हाथों कियो, सो तहां तुलसी को नाचारो। दोष सुनाए ते आगे हूं को होशियार, हुए हो मन तो ही हारो। हे हनुमान जी, आप ज्ञानी शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता या बिगाड़ता हूं हे स्वामी? आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया, इसमें तुलसी का कोई वश नहीं। यद्यपि मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिससे मैं आगे के लिए होशियार हो जाऊं। तेरे थपे उथपे न महेश, थपे फिर को कपि जे घर घाले। तेरे निवाज गरीब निवाज, विराजत बैरिन के उर साले। संकट सोच सबे तुलसी लिए, नाम फटे मकरी के से जाले। बूढ़ भये बलि मेरी ही बार, कि हार पर बहुत नत पाले। हे वानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको भला कौन बसा सकता है? हे गरीब नवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हो? इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हो प्रभु। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जा रहे लंक से बंक मवासे। तैरन के हरि के बिदले, हरि कुंजर छैल छवासे। तो सो समत सु साहेब से, सहे तुलसी दुख दोष दवा से। बानर बाज बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटे लवा से। आपने समुद्र लांग कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया है। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। हे प्रभु, आपके बराबर समर्थ और इतने अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए ये तुलसी भला दोष और दुख की आग को क्यों सहन कर रहा है? हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते हो? अच्छ विमर्दन कानन भान, दसानन आनन भान निहारो। बारिद नाद अकंपन कुंभ, करन से कुंजर के हरि बारो। राम प्रताप हुदासन कच्छ, बिपच्छ समीर समीर दुलारो। पाप ते साप ते ताप तिहूं ते, सदा तुलसी कह सो रखवारो। हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं।
विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नि तुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप हैं आप। ये पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। जानत जहान हनुमान को निवाजो जन, मन अनुमान बलि बोल न बिसारिए। सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक पर, साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिए। अपराधी जाने की जसा सति सहस भांति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जूके, बाह पीर महावीर बेगी निवारिए। हे हनुमान जी, मैं बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए, आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहने वाला है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है? अपनी साहिबी को संभालिए, अपनी साहिबी को संभालिए, और मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को मेरी शीघ्र ही दूर कर दीजिए। बालक बिलो के बलि बारे ते आपनो कियो, दीन बंधु दया किन्हीं निरुपाधि न्यारिए। रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरी दास रावरो विचारिए। बड़ो विकराल काले का को न बेहाल कियो, माथे पगो बलि को निहार सो निवारिए। केसरी किशोर रन रोर बर जोर बीर, बाहु पीर राहु मातु जो पछारी मारिए। हे दीन बंधु, मैं बलि जाता हूँ। बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की मुझ पर। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसको हटाइए। हे केसरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ पछाड़ कर मार डालिए। उथपे थपन थिर थपे उथपन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिए। राम के गुलामनी को काम तरु राम दूत, मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिए। साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु वीर बांधे मारिए। पोखरी विशाल बाहु बलि बार चर पीर, मकरी जो पकरी के बदन बिदारिए। हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए को बसाने वाले हैं और बसे हुए को उजाड़ने वाले हैं, आपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए तो आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है। सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। राम को स्नेह राम साहस लखन सिय, राम की भगत सोच संकट निवारिए। मुद मर कट रोग बार निधि हेरि हार, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिए। कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पंपयते,
सुथल सुबेल भालू बैठ के बिचारिए, महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों ना, लंकिनी जो लात घात ही मरोरी मारिए। मुझमें रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस, दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों को सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए प्रभु। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए, श्रेष्ठ स्थान यानी हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी सोचते हुए प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली बांके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ मरोड़ कर मार डालते हैं आप। लोक पर लोक हूं तिलोक न बिलोकियत, तो से समरथ चश चारे हूं निहारिए, कर्म काल लोक पाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा बिचारिए, खास दास रावरो निवास तेरे तासुर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिए, बात तरु मूल बाहु सूल कपि कछु बेली, उपजी सकेली कपि केली ही उखारिए। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूं तो आपके समान योग्य कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा केवांच की लता के समान है, उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोर कर वानरी खेल से उखाड़ फेंकी। कर्म कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बक भगिनी काहू ते कहां डरगी, बड़ी बिकराल बाल घातनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई बेश आप ही बिचार देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी, पूतना पिसाचनी जो कपि कान तुलसी की, बाह पीर महावीर तेरे मारे मरेगी। कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी? बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला कही नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप हैं, यह आपके ही मारने से मरेगी। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विषम पाप ताप छल छाह की, कर मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराहि जाहि पापिनी मलिन मन माह की, पह ही सजाए नत कहत बजाए तो ही, बाबरी न हो ही बान जान कपिनाह की, आन हनुमान की दुहाई बलवान की, सपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय क्रोध अथवा त्रिदोष का या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख किंवा धोखे की छाया है, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरे मन की मैली पापिनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूं कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बन। जो बाहु की पीड़ा रहे
तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध खाता हूँ, अर्थात वो अब नहीं रह सकेगी। सिंह का सहार बल सुर सा सुधार छल, लंकिनी पछार मार बाटिका उजारी है। लंक पर जार मकरी बिदारी बार बार, जात धान धार धूर धान कर डारी है। तोरी जम का तरे मंदोदरी कढ़ोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महितारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। सिंहिका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, लंकापुरी को विनाश किया, यमराज का खड्ग अथवा पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है, किसके संकोच में पड़कर आपने मेरे बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। तेरो बाली के लिबीर सुनि सहमत धीर, भूलत शरीर सुधि सक्र रवि राहु की। तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरति न काहू की। साम दान भेद विधि वेद हुला वेद सिधि, हाथ का पे नाच ही के चोटी चोर साहू की। आलस अनख परिहास कैसे खावन है, एत दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु अपने शरीर की सुध ही भूल जाते हैं। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से सबके दुख दूर हो जाते हैं। साम दान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहू की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है प्रभु, अथवा क्रोध है, परिहास है, या मेरे लिए किसी प्रकार की कोई शिक्षा है। टूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जो कृपाल नत पाल पाली पोसो है। किन्हीं है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरे हो भरोसो है। इतनो परे को सब भांति समरथ आज, कपिराज साची कहो को तिलोक तो सो है। सासति सहत दास की जे पेखी परिहास, चीरी को मरण खेल बालकनी को सो है। हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था मैं, आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है, अपने जन को आप न बुलाएंगे इसका मुझे भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं, मैं सच कहता हूँ आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है, किंतु मुझे इतना पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों के खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। आपने ही पापते त्रिपातते कि सापते, बड़ी है बाह वेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बादि भय देवता मनाए अधिकाती है। करतार भरतार हर तार कर्म काल, कोह जग जाल जो न मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो राम दूत, ढील तेरी वीर मोही पीरते पिराती है। मेरे ही पाप या तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है, वह न कही जाती है और न सही जाती है।
अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल, कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। कुछ तो उपाय कीजिए शीघ्र हे प्रभु। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समत्व हाथ पाय को, सहाय असहाय को, बाकी बिरदावली विदित वेद गायत, रावण सुभट भयो मुठिका के घाय को। एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीधा तसु सेवक बचन मन काय को, थोरी बाह पीर की बड़ी गलाने तुलसी को, कौन पाप को कुलोप प्रकट प्रभाय को। आप राजा रामचंद्र के दूत, पवन देव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूंसे की चोट से घायल हो जाता है। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से कितना दुख पा रहा है। प्रभु, तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है। मेरे कौन से पाप के कारण या क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धि नाग, छोटे बड़े जीव जेत चेतन अचेत हैं, पूतना पिसाची जातु धानी जातु धान बाम, राम दूत की रजाई माथे मानी लेते हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट को रोग जोग, हनुमान आन सुनि छाड़त निकेत हैं। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, शोध कीजे तिन को जो दोष दुख देत हैं। देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि जितने छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं, तथा पूतना पिशाचिनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा श्रोधार करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को सुखावन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं हे प्रभु, उनका सुधार कीजिए। तेरे बल पानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाल जात धान भय घर घर के, तेरे बल राम राज की सब सुर काज, सकल समाज साज साज रघुबर के। तेरो गुण गान सुन गिर बान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंच हरि हर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो किस नाथ, देखिए न दास दुखी तो सुखनि गर के। आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया है और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के, यानी तीन तेरह हो गए हैं, बारह बाट हो गए हैं, और आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया है और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया है। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित हो उठते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं। पालो तेरे टूक को परे हु चूक मुकिए न, कूर कौड़ी दू को हो अपनी ओर हेरिए। भोरा नाथ भोरे ही सरोष होत थोरे दोष,
पोषितोषी था आपनी नव डेरी अंब तू हो अंब चर अंब तू हो डिंब सोना बूझिए बिलंब अवलंब मेरे तेरी बालक बिकल जानी पाही प्रेम पहचानी तुलसी की बाह पर ला मिलूं फेरिए। आपके टुकड़ों से पला हूं मैं, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी दो कौड़ी का, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए। आपका सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूं, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूं। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है प्रभु। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे कि उसकी पीड़ा निर्मूल हो जाए। घेर लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी जो बासर जलद घन घटा धुकी धाई है बरसत बारी पीर जारी जवा से जस रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान हेरे हसी हाके फूके फौजते उड़ाई है। खाए हो तो तुलसी कुरोग राढ़ राख सन केसरी किशोर राखे वीर बरे आई है। रोगों बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है, जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना किसी अपराध के यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलसाकर मूर्छित कर दिया है। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया है। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की, पुनः कृपा कीजिए एक बार प्रभु। राम गुलाम तू ही हनुमान गोसाई सोसाई सदानुकूलो पाल्यो हो बाल जो आखर दूपितु मातु सो मंगल मोद समूलो। बाह के बेदन बाह पगार पुकारत आरत आनंद भूलो श्री रघुबीर निवारिये पीर रहो दरबार परो लटी लूलो। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहुपगार भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूं। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके ही दरबार में आपके ही चरणों में पड़ा रहे। काल की करालता कर्म कठिनाई की धूम पाप के प्रभाव की सुभाए बाय बावरे बेदन को भांति सो सही न जाती रात दिन सोई बाह गही जो गही समीर डाबरे। लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहार बाल सींचिए मलिन भो तयो हते हूं तावरे। भूतन की आपनी पराए की कृपा निधान जानियत सब ही रीति राम रावरे। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है या पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती है, और उसी बांह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है,
यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींच दीजिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप भूतों की अपनी ओर वीराने की सबकी रीति जानते हैं। पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुह पीर, पीर जर जर सकल पीर मई है। देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है। हो तो बिनु मोल के बिकानु बल बारहिते, ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। पांव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहों की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की सी बार दे रहे हैं। बलि जाता हूं मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मूल बिका हुआ हूं, और आपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया है। बाहु सुबाहु नीचली चर मरीच मिल, मुह पीर के तुजा कुरोग जा तु धान है। राम नाम जग जाप कियो चहु सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संहारी ताड़ का सहार भार भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है। बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की अशक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़ का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्य अन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूं, पर काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? बिल्कुल नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है वे रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण करके वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन कर देंगे, उन्हें अपने स्थान से च्युत कर देंगे अवश्य ही। राम नाम की महिमा ही इतनी महान है। बालपन सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो। परयो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हो। तुलसी गुसाई भयो भोंडे दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ हूं। मुंह से राम नाम लेता टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था, फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूद कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूं। आसन बसन हीन विषम विषाद लीन, देख दीन दूबरो करन हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाए भर हाय गो,
बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को ताते तनु पेशियत घोर बर तोर मिस फूट फूट निकसत लोन राम राय को। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनात करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दे दिया है। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा और अपने आप को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जान की जीवन को कहाय जन मरिबे को वाराणसी बारी सुर सरी को तुलसी के दोहू हाथ मोदक है सिठाऊ जाके जिए मुए सोच करे है न लरी को मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब मेरे मन मान है न हर को न हर को भारी पीर दुसह शरीर ते बेहाल होत सो रघुबीर बिनु सके दूर करे को। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है ऐसे स्थान में जीवन मरण तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है जिसके जीने मरने से कोई सोच नहीं करता। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित हित उपदेश को महेश मानो गुरु के मानस बचन काय शरण तिहारे पाए तुम्हारे भरोसे सुर में न जाने सुर के व्याधि भूत जनित उपाधि काहु खल की समाधि कीजे तुलसी को जान जन फुर के कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ रोग सिंधु क्यों न डारियत गाए खुर के। हे हनुमान जी स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश तो मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए हर्ष विषाद राग रोष गुण दोष मई बिरचि बिरंचि सब देखियत दुनिये माया जीव काल के कर्म के सुभाय के करिया राम वेद कहे साची मन गुनिए तुम ते कहा न होय हा हा सो बुझिए मोही हो रहो मौन ही बयो सुजानी लुनिए। मैं हनुमान जी से सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद राग रोष गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी ही हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है वही काटता हूं। इस 44वें पद्य के साथ श्री हनुमान बाहुक स्तोत्र
यहाँ पर समाप्त होता है। लगभग संवत 1664 विक्रमाब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। असंख्य हरिभक्त श्री हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं और अपने मनोवांछित मनोरथ को प्राप्त करते हैं, प्रसन्न होते हैं। संकट के समय इस स्तोत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करना राम भक्तों के लिए परम आनंददायक सिद्ध हुआ है। आइए अब अंत में श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुलसीदास जी की ही भांति कि वो हम सबके संसार भर के मनुष्य मात्र के सभी जीवों के कष्टों का निदान करे। जय श्री राम, जय हनुमान।